नहीं है, अभी बता दे रहा हूँ पेरेंट्स के सामने, बाद में मुझे कॉल नहीं चाहिए कि क्यों भेजा करके। क्योंकि स्टेप वन जब तक आप बच्चे लिख के रखो लैंग्वेजेस में, स्टेप वन आप नहीं कंप्लीट करोगे आपका लैंग्वेजेस में, एक्चुअली लैंग्वेजेस देखा जाए तो बाकी सारे बुक्स पढ़ने पड़ते, वो तो छोड़ दोगे, वो टाइम नहीं है, ये टाइम पे वो पढ़ोगे तो बुक का कब पढ़ोगे, पहले बुक तो पढ़ो जो टॉपिक है वो तो कंप्लीट करो, दो तीन बार पढ़ के आप अगर पहले से हो जाओगे उस पैसेज के बारे में, आपने पढ़ा आपको सब कुछ मालूम है, पहले से मालूम है क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ा है, उसी चैप्टर में से कुछ पार्ट एग्जाम में आया है आपको पहले से मालूम है, सीधा क्वेश्चन पे फोकस करो, आंसर ढूंढो, अच्छे से लिखो, वही टाइम आप राइटिंग स्किल को दे सकते हैं। मिला है तो मैं इसको और किस तरीके से इंक्रीज करो, इंक्रीज करना और डिक्रीज करना किसके हाथ में, मेरे हाथ में कि आपके हाथ में, आपके हाथ में। तो ये चीज आपको सोचना है, रिजल्ट्स है आपके सामने, वर्क फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, कल के बारे में मत सोचो, आज ही करोगे तो आपका अच्छा रिजल्ट्स आएगा, वरना कुछ नहीं। मार्क 3 मार्क के क्वेश्चन का टेस्ट, इसका मतलब ये डोंट एक्सपेक्ट कि आपको मार्क्स अच्छा आएंगे, मार्क्स लाने के लिए अच्छा क्वालिटी कंटेंट लिखना पड़ता है, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है, जो स्टेप 1 लैंग्वेजेस के लिए करना चाहिए था, डे 1 को आपको बोला रहेगा सेम वर्ड, इन्होंने आंसर शीट में गलत लिखा है, कहीं ना कहीं हम लोग परफेक्शन पे ध्यान नहीं देते, परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करते। मैथ्स में भी सेम, ऐसा नहीं कि आता नहीं है, उनको मालूम है कि इसका आंसर ये है, लिख लिया, इसके पास होना चाहिए, बच्चे के पास। आप जाओगे या बच्चे के साथ 2 बजे तक? नहीं जा सकते, हमको और भी काम है, सुबह उठ के बाकी बच्चे भी हैं, हस्बैंड ने उनके डब्बा बनाना या जो भी है, वी कैन नॉट गेट अप टिल लेट नाइट। तो आपको क्या करना है, और अभी मैं आपको बोल रहा हूँ ताकि वो आपसे आर्ग्यू भी नहीं करे, इनके सामने मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपका बच्चा रात को पढ़ने बोलता है तो आप उसका फोन ले लीजिए, टीवी बंद कर दीजिए, वाईफाई बंद कर दीजिए, बोले बेटा पढ़ 2 बजे तक, 12 बजे सो गया, ये चीटिंग है, 12 बजे की पढ़ाई इज नॉट रात की पढ़ाई बॉस, ओके? आप 2 बजे तक पढ़ रहे हैं तो रात की पढ़ाई है, नहीं पढ़ रहे हैं सो जाओ, खाना खाओ सो जाओ, 10 बजे स्लीप एट 10, गेट अप एट 5, गेट अप एट 4, गेट अप एज अर्ली एज पॉसिबल। सर होता ही नहीं, क्या करे, सोता है वो, नमाज पढ़ता है, क्या करे, बेड पे है ना, बेड पे बस चादर ओढ़ते हैं, मांडी डालते हैं, और जैसे हम नमाज पढ़ते वैसे पढ़ते हैं। अच्छा है, सुबह उठ के नमाज, कोई तो बच्चा बोल रहा था मुझे, कोई पेरेंट बोल रहे थे कि सर ये सुबह उठता है, सुबह की नमाज करता है।